तो देखिए गार्डन मेरे में फ्रेंड्स यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है क्योंकि मैंने अभी अभी प्लांट्स को पानी दिया है, तो इस पार्ट से ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बॉलीविन जो जो कि समर सीज़न का बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है। और इसकी कटिंग मैंने आप लोगों के साथ जब लगाई थी, शेयर भी की थी वीडियो, तो मेरा ये एक छोटा सा जो एक लाइन था प्लांटर का, जो कि मैंने एक्स्ट्रा जो हमारे घर में वेस्ट बॉटल्स होती हैं ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक की, तो उसका मैंने कुछ बनाया था। लेकिन उसके बाद वो जैसे काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं या फिर रीयूज़ भी कर लेते हैं। तो मैंने इसका फिर से रीयूज़ किया था क्योंकि बॉलीविन जियो जो है बहुत ही बहुत, मतलब कि रफ टफ बोल सकते हो या हार्डी बोल सकते हो, बहुत ही मतलब कि एक इसको आप बिना किसी केयर के ग्रो कर सकते हो। इसकी ऐसे छोटी सी कटिंग उठाइए, कटिंग कीजिए, या इसको बस इस तरह से किसी भी पॉट में फेंक दीजिए, तो आपको इसको दबाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, इतना ये जो प्लांट है जल्दी ग्रो हो जाता है। तो मैंने इसकी वीडियो शेयर की थी, तो अभी आप देख सकते हो छोटे से लेके बड़े पॉट में ये बहुत ही जल्दी से ग्रो कर रहा है। बाकी थोड़ा सा फ़र्क तो होता ही है क्योंकि बड़े पॉट में मिट्टी ज़्यादा होती है और छोटे पॉट में मिट्टी कम होती है, जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है थोड़ी सी कंपैरेटिवली बड़े प्लांट के कम होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इस प्लांट में, तो आप देख सकते हो सभी के सभी जो प्लांटर हैं सब में अच्छे से बॉलीविन जियो जो है ग्रो कर रही है। तो ये मैंने इस तरह से शेड में रखी हुई है। और यहाँ पे देखिए ये हैंग भी करने लगी है। तो ये तो है कि आप इसको मिट्टी में ग्रो कर सकते हो। मैं आपको और भी दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने वेस्ट सा, मेरे पास एक मटका है, मैंने उसमें इसको ग्रो किया हुआ है। और एक है ये बॉटल, इसमें भी ग्रो किया। तो ये तो बात हो गई कि हम इसको मिट्टी में या बॉटल में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने बिना मिट्टी के इसको कभी ग्रो किया है? तो मैंने किया है, आप देख सकते हो इसमें ज़रा सी भी मिट्टी नहीं है। बस जो मैंने इसको पहले एक प्लांटर में लगाया था, इसी में था, इसके नीचे जो है एक मैंने जो पॉली बैग था वो लगाया हुआ था ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। और फिर मैंने क्या किया, वो हटा दिया। और अभी आप देख सकते हो बस इसकी रूट्स में मिट्टी है, पॉट में बिना किसी मिट्टी के ये अच्छे से ग्रो हो रही है। तो अभी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी तो थोड़ी सी इसकी जो ग्रोथ है इस तरह से है, नहीं तो ये इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही थी। और देख सकते हो इसका साइज़ बिल्कुल छोटा छोटा सा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से देखिए बिना पॉट में मैंने मिट्टी डाले इस बार बॉलीविन जियो भी ग्रो करने का एक्सपीरियंस लिया है। तो अगर आपने नहीं लिया है आप भी ज़रूर ट्राई करें, और बिल्कुल आपके गार्डन में ये जो बॉलीविन जियो है अच्छे से ग्रो हो जाएगी बिना मिट्टी के। बस आप रूट्स में मिट्टी थोड़ी सी एक बार लगा दीजिए, उसके बाद मैं इस पर रोज़ पानी की पाइप जो होती है उससे पानी डालती हूँ, तो मिट्टी हल्की हल्की नीचे से निकलती रहती है, लेकिन फिर भी मेरा प्लांट अभी तक ठीक ठाक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।